हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज भी जो कि मैं एक केक डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा, वो भी वेनिला वाला केक है, फेस क्रीम का। तो ऑर्डर आया था वो भी 3 केजी का केक दोस्तों, तो उसको मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगा। जैसे कि मैं पहले से थोड़ा सा दोस्तों गार्निशिंग बना लूँगा, क्योंकि गार्निशिंग डिज़ाइन करने के लिए बोला था कस्टमर जो आया था मेरे ऑर्डर देने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि मेरे को थोड़ा गार्निशिंग डिज़ाइन करके दीजिएगा। तो मेरा AC भी थोड़ा कल ख़राब हो गया था, इसका वजह से जो कि है चॉकलेट में डाल के रख दिया हूँ, ला के जो कि है लैडिंग कर लिया। वेनिला फ्लेवर था तो मैं वेनिला से अच्छे से, वेनिला देख ही रहा है आप लोग, क्रश व्रश डाल के मैं अच्छे से जैसे लेयरिंग करता मैं अच्छे से वैसे लेयरिंग कर लिया। और चॉकलेट डाल के रखा बहुत टाइम के बाद भी मतलब सेट हुआ, क्योंकि AC कल प्रॉब्लम हो गया था, तो इसका वजह से मैं मतलब ऐसे ही गर्म करके डाल के रख दिया था। मिनिमम जो कि है 15 मिनट में रखा, उसके बाद जो कि थोड़ा सा ठंडा मतलब हुआ, इतना भी सेट नहीं हुआ अच्छे से, फिर भी मैं कटिंग करके जल्दी से मतलब फ्रिज में डाल दूंगा, क्योंकि अर्जेंट में ये वाला केक चाहिए था। वो भी मतलब मेरे को 5 बजे ऑर्डर दिया और 6 बजे उसको कस्टमर को चाहिए था, तो मैं जल्दी जल्दी से मतलब चॉकलेट को कटिंग करके रख दिया हूँ। और कस्टमर ऑर्डर देते तो लेना ही पड़ेगा, और उसको मतलब अच्छे से मैं करके भी दिया हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं लेयरिंग करके नॉर्मली स्क्वायर में ही बनाऊँगा, क्योंकि कस्टमर बोला था कि स्क्वायर शेप में ही चाहिए, और इधर का इस स्क्वायर शेप का केक ज़्यादा चलता है, जो कि मैं स्क्वायर में ही बना के उसको अच्छे से दूंगा। और नॉर्मल वेनिला फ्लेवर का केक है, तो इसको मैं पूरा व्हाइट में ही बनाऊंगा, जैसे कि आप लोग फोटो में देखा ही है। और दोस्तों अभी बहुत गर्म है, फिर भी मेरा AC भी जो कि है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मतलब AC से बहुत सारा पानी गिर रहा था, इसके लिए जो कि AC भी ऑफ था। तो चॉकलेट भी थोड़ा जैसे तैसे मैं बनाया हूँ, क्योंकि मतलब जो जिसको मतलब मालूम है तो उसको मालूम ही है कि गर्म में चॉकलेट बना नहीं सकता है, फिर भी अगर आप आइडिया लगाएगा तो बना सकता है। जैसे कि होम बेकर्स भी आराम से जो कि चॉकलेट बना सकता है, माइक्रोवेवन में नहीं चाहिए, जो नॉर्मल चॉकलेट आता है उसी को आप लोग लेना, और लेके जो कि है गर्म पानी में ऊपर में रख दीजिएगा प्लास्टिक के बोल में, तो आपका चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद अच्छे से शीट में डाल के आप लोग क्या कीजिएगा, फ्रिज में डाल के थोड़ा टाइट होने के बाद फिर से निकाल दीजिएगा। थोड़ा 5-6 मिनट के बाद आप लोग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फ्रिज में रखेगा तो टाइट हो जाएगा ना थोड़ा, उसके बाद जो कि आप लोग फ्रिज से निकालेगा तो निकाल के थोड़ा टाइम बाहर रखेगा तो थोड़ा फिर से गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग काट के फिर से फ्रिज में रख के सेट हो जाएगा, उसके बाद जो कि आप लोग यूज़ कर सकता आराम से। तो आप लोग भी चॉकलेट जो कि बना के डाल सकता है, जो कि होम बेकर्स जो होम बेकर्स लोग हैं तो आप लोग भी ऐसे चॉकलेट बना के गार्निशिंग बना के डाल सकता है। तो गाइस, उसके बाद जो कि है मैं नॉर्मल वेनिला केक था तो वेनिला ग्लेज डाला हूँ, जो वेनिला ग्लेजिंग जेल आता है उसी को मैंने डाला हूँ, और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, जो कि वेनिला फ्लेवर का टेस्ट आता है, इसलिए मैं उसी को डाला हूँ ऊपर में। तो देख सकता है फिर कैसा शाइनिंग आया है। तो उसके बाद जो कि है मैं स्पीड कार्ड से ही थोड़ा सा उसमें डिजाइन कर दिया हूँ साइड में, और देखिए चॉकलेट में डीप फ्रिज में रख दिया था तो उसको मैं एक एक साइड में लगाया हूँ, और उसका बीच में जो कि ब्लैक में छोटा छोटा स्क्वायर काटा था उसको भी मैं अच्छे से डाल दिया हूँ, और रेक्टेंगल वाला जो कि ट्रायंगल शेप वाला मैं थोड़ा पतला पतला से डाला हूँ, गैप दे दे के डाला हूँ। उसके बाद उसका बीस जो कि है व्हाइट ब्लैक वाला जो कि छोटा छोटा स्क्वायर का था उसको भी मैं डाला हूँ। नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल सा डिज़ाइन है, आप लोग भी बना सकता है जो कि देख के। तो वीडियो को गाइस पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करने से कितना मेहनत से बनाता हूँ फिर हमको ही जो कि प्रॉब्लम वॉच टाइम कम हो जाता है, वॉच टाइम में प्रॉब्लम आता है बहुत। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद जो कि नॉर्मल में ऊपर में जो मैं चॉकलेट बनाया था उसी को मैं अच्छे से डिजाइन से डाला हूँ डाल के, जो कि उसमें उसके बाद मैं मैसेज लिख दूंगा, जो मैसेज दिया था मैं उसको अच्छे से मैसेज केक का ऊपर लिखा हूँ, लिख के जो कि है मैं फ्लावर भी बना के उसमें डालूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए फ्लावर कैसे मैं बना रहा हूँ, जिसको फ्लावर बनाने के लिए मालूम नहीं तो आराम से देखिए, देख के आप लोग भी ट्राई कीजिए, ट्राई करने से आप लोगों का भी जो कि आपका भी फ्लावर अच्छे से बन जाएगा। जैसे कि मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए, देख के आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर आपका फ्लावर आपको बनाने का प्रॉब्लम है तो ऐसे आप बना सकता है। स्टैंड जो केक बनाता है वो स्टैंड में भी बना सकता है, पेन में भी बना सकता है आप लोग आराम से। और ये सा स्टैंड जो फ्लावर स्टैंड आता है उसको ख़रीदने को मिलता है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ तो उसमें भी आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं
इसमें फ्लावर भी ऐड करूँगा क्योंकि बर्थडे गर्ल था तो जो कस्टमर था कि मेरे को दो तीन फ्लावर भी डाल दीजिएगा, तो मैं इसके लिए दो तीन फ्लावर बना के जो कि ऐड कर दूँगा। और चॉकलेट आप लोग बना के डालेगा तो अच्छे से डालिएगा ताकि देखने को, अगर कोई कोई मतलब चॉकलेट अच्छे से बना लेता है लेकिन केक में जो डालता है तो उस टाइम मतलब ख़राब कर देता है, डालने को मालूम नहीं होता, तो वैसे ऐसे डाल देगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा आप लोग देख के डालिएगा ताकि केक आपका अच्छा दिखे। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल से डाला हूँ जो कि आप लोगों को भी दिखाया हूँ। तो तीन फूल में ऊपर में फ्लावर्स बना के डाला हूँ जो कि नॉर्मल सा ही फ्लावर्स है। तो गाइस पूरा केक जो कि है रेडी हो चुका है, सब में मैं अच्छे से गार्निशिंग डाल दे रहा हूँ। देखिए फ्लावर साइड में भी मैं जो कि गार्निशिंग ही डाला हूँ, और सभी मतलब इधर साइड में जो जो जगह था उस खाली जगह गिफ्ट था उसमें भी मैं जो कि ब्लैक कलर का स्क्वायर चॉकलेट था गार्निशिंग, उसी को ही मैं अच्छे से डिजाइन से डाला हूँ। तो गाइस कैसा लगा केक जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाता। तो दोस्तों आज के लिए चलता हूँ, फिर एक नया रेसिपी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।